हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं लुलू। आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पांडा ट्रेमिकर। दोस्तों, आज के वीडियो किसी दोस्त की रिक्वेस्ट की वजह से बन रहा है। आज के वीडियो में हम आपको 75mm केबल ट्रे को कैसे राउंड शेप में 90 डिग्री बना के दिखाएंगे, उसके साथ साथ तो डबल ट्रिपल लेयर बैंड को कैसे मेजरमेंट के साथ पूरा करेंगे वो दिखाने वाले हैं। जब वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना। अगर आपका मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर भी हम उस टॉपिक को लेकर वीडियो भी बना सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ऐसा वाला कंडीशन में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो पहले समझ लेते हैं एक एक जो भी कटिंग कितना एमएम होता है वो समझा देता हूं। उसके बाद इसका डिस्टेंस कितना डिफरेंट होगा वो बताएगा। ओके, तो पहले दोस्तों, किसी दोस्त ने एक मैसेज किया था कल मुझे, वो फोटो दिया। फोटो में बोला कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करा जाएगा, तो मैं उस टॉपिक में आज का वीडियो बना रहा हूँ। उनको भी हेल्प मिलेगा और आप लोग चाहे तो इसको देख सकते, आपका भी काम पे लग जाएगा। ओके, तो जब एक ट्रे के ऊपर और एक ट्रे आने वाला है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। ओके, पहले समझ लेते हैं एक बैंड हम चार कट में लगाएंगे, तो 1 2 3 4 चार कट में लगाएंगे तो एक बी कट को कितना एमएम चाहिए। तो इधर देख सकते 30mm करके चाहिए 75mm ट्रे के लिए। ओके, उसमें परफोरेटेड ट्रे जा सकता है, आप लैडर ट्रे भी इसमें कटिंग करके बैंड बना सकते हैं। ओके, तो इस सिचुएशन में चार के लिए देख सकते हैं हमारा 75mm ट्रे के लिए चार कट जब करेंगे, हर कट 30mm करके आने वाला है। ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। बात आता है सेंटर हम कितना रखेंगे। तो सेंटर जब आप सिंगल ट्रे लेके जाते हैं तो आपके हिसाब से आप रखिए, कितना भी रख सकते हैं। मैं तो 70-80mm रखता था तो इतना बड़ा शायद हो जाता था, क्योंकि वो पिछला वीडियो में आप लोगों देखा होगा मैं जो परफोरेटेड ट्रे को पेंट बना रहा था, तो शायद यही साइज का वो हो जाता होगा। तो मैं 80mm के आसपास रखता था, 70 और 80। ओके, जब आपको उसके ऊपर फिर और एक लेना है, उसके ऊपर और एक लेना है, तो वो सिचुएशन में क्या करना, आज का वीडियो उस टॉपिक में जाने वाला है। तो ये समझ लीजिए एक बैंड के लिए हमको 30mm करके चार कट लगाना चाहिए। तो देख सकते फ्रेंड्स, हमारा चार भी कट है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। हम अभी क्या किया, ये रेशियो ले लिया 75 का, इधर 100mm गैप छोड़ा जो कि ये है, ये रेशियो है, ये रेशियो है, ये गैप, फिर 75 100 75 फिर 100 75। इस तरह से हमने लिया है। अभी इसको हम छोटा कर देते हैं और एक्यूरेट मेजरमेंट करके आपको बताते हैं। ओके, तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं हमारा इधर 75 का ट्रे है, 100mm गैप है, 100mm गैप है, तो हम उसी हिसाब से एक ले लिया, 90 डिग्री ऐसे बनाया, उसका एक ही पार्ट लेके आया। ओके, ये पार्ट को हम लेके आया। ओके, यहां पर हम मेजरमेंट करेंगे और आप आपके हिसाब से मेजरमेंट करिए, क्योंकि मैं ये 100mm के लिए किया है और भी एक्यूरेट मेजरमेंट इसमें नहीं होता है, मतलब एक मिली भी डिफरेंट होता है, इसीलिए आप खुद करिए, लेकिन यही फॉर्मूला से आपका निकल जाए। ओके, तो ये 75 100 75 100 75। ओके, ये तीन ट्रे हम लिया है, तो 100mm गैप छोड़ा है, तो ऐसा भी मार्किंग करने के बाद ये लेंथ भी मेजरमेंट करना हमको।
तो हम देखेंगे इधर कंपेयर करेंगे कितना डिफरेंट आ रहे हैं। तो 260 ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक, ओके 260 इधर है, तो ये वाला कितना 230 है, तो यहां पर कितना डिफरेंट होता है 30 mm, 260 230 जाएगा तो 30 mm। सेम ये 75 का भी वही हालत है, 190 mm से 160 जाएगा था वो भी 30 होता है, ओके ये 120 से 90 जाएगा तो ये भी 30 होता है। अभी बात आते हैं 100 mm का कितना डिफरेंट, तो 230 से 190 जाएगा तो 230 इधर 30 इधर 10 ये 40 mm होता है, और यहां पर 160 से 120 जाएगा तो ये भी सेम 40 mm, ओके। तो क्या करना, अभी देख सकते हैं इधर हमको जब बेंड बनाना है तो हमारा ये हिस्सा चाहिए, लास्ट में यही रहेगा, बाकी तो बी कट में उठ के चला जाएगा छोटा बी पीस जो, लेकिन ये रहेगा। तो हमको ये पीस चाहिए, ये पीस से ये कितना डिफरेंट 160 230 से 230 160, तो 0 13 से 6 जाएगा तो 7 इधर 0 तो 70 mm हमारा इससे ये बड़ा है, ओके इससे ये वाला 70 mm बड़ा है। सेम इधर भी हम चेक कर लेते हैं, तो 160 से 90 जाएगा, 160 से 90 ये भी 70। तो देख सकते फ्रेंड्स, जब हमारा 100 mm ट्रे का पीछे साइड से और अगर ट्रे का आगे साइड से फर्क रहेगा तो हमको ये ट्रे से इसको 70 mm बढ़ाना चाहिए, ओके। तो वही हिसाब से करिए, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह से आपको मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स, तो ये बैंड को हम पकड़ लेते हैं, ओके ये बैंड का ये फास्ट बैंड हो गया एक नंबर वाला, ये दो नंबर हम कर देंगे। अभी इसको ये जो छोटा छोटा मैं कर किया इसको एक नंबर कर देता हूँ, इसको दो नंबर कर देता हूँ, और इसका जो गैप हो पहला वाला को आपको कुछ भी रख सकते हो, ओके इसका जो गैप हो मैं इनकेस 70 mm रखा, क्योंकि 70 mm से और थोड़ा नीचे होगा तो मोटी वाली केबल थोड़ा दिक्कत होती है, तो ये 70 mm 70 70। तो ये कितना होगा, ये उसका डबल हो जाएगा 140 140 140। इसका ऊपर वाला कितना आएगा, और 70 mm बढ़ेगा, और 70 है तो वो 210 हो जाएगा, 210 210 210। इसी तरह से जितना आगे को ये जाएगा उतना 70 mm 70 mm आपको क्लॉस करना है, जब सेम यही लेवल में लेना है, ओके 100 और 75 का होगा तो इसमें से कोई 50 हो जाएगा तो उसके लिए मेजरमेंट डिफरेंट, लेकिन वही फॉर्मूला से आप उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो ये तो बता दिया था, ये 30 mm करके लेना है, ओके। तो आशा करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करके जाना, और जाते जाते आपका मन में कोई सवाल है सुलझा है तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, अगर आप हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम ज्यादातर वीडियो लेके आते रहते हैं। फिर मिलेंगे इसे और एक नए टेक्निक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहते हैं हम, नमस्कार।